अभी हमने एक बात कही थी कि पुराणों को पढ़ा करें, क्योंकि पुराणों को ना पढ़े तो ऐसी अनर्गल प्रलाप भी कोई कर दे, कोई व्यास मंच पे बैठ के भी कभी कभी लोग गलत कह देते हैं और समाज उसको मानता है कि ऐसा ही होगा। अभी हमारे भारतवर्ष के एक बड़े प्रतिष्ठित कथा व्यास, जो जनमानस में बड़े ख्याति प्राप्त हैं और जिनकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, ऐसे हमारे कथा व्यास जी ने कह दिया कि राधा जी का विवाह तो किसी और से हुआ था, कृष्ण से नहीं हुआ, अमुक नाम के गोप से हुआ और राधा जी उनकी पत्नी थी। अब उन्होंने कहां के पुराण से पढ़ा और कैसे कह दिया ये तो वही जाने, हम किसी का विरोध नहीं करते, पर भैया यदि ऊट पटांग बातें कहेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा, हमारे बच्चे हमारे लोग जो क्या सोचेंगे, अनुयायी लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि बोले जब राधा जी विवाह के बाद इतर संबंध में श्री कृष्ण के साथ थी तो हम लोग ऐसा करें तो क्या हानि है? है अरे पहले राधा तत्व को समझिए तो सही, राधा तत्व क्या है? राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है, है? है कि नहीं है? अब श्री कृष्ण की आत्मा है, नित्य गोलोक विहारिणी है, श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है, वह किसी दूसरे से विवाहित कैसे हो सकती है? और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से कराया, यह गर्ग संहिता के माध्यम से सर्वविदित है कि नहीं? फिर पद्म पुराण आदि में इसका खूब वर्णन है कि श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी, उनका विवाह उनसे हुआ, श्री कृष्ण हृदयेश्वरी है। शिव पुराण की ही चर्चा करें तो अभी हम लोग भागवत के पहले शिव पुराण की कथा कर रहे थे, हमारे नरेंद्र सिंह राजपूत जी यजमान थे नर्मदापुरम से, तो वहां हमने कथा सुनी कि पितरों की कन्याएं सनकादिक के श्राप से भूमंडल पर आने का श्राप मिला, कथा सुनी थी आप लोगों ने। तो एक जो है कलावती के रूप में, एक धन्या के रूप में, एक मैना के रूप में आई, तो राधा जी कौन हुई? बोले कलावती सुता कन्या कृष्ण पत्नी भविष्यति, वह कृष्ण की पत्नी गोलोक विहारिणी श्री राधा रानी जो है इनकी पुत्री होकर के आएंगी, ऐसा उसमें कहा गया। तो शिव महापुराण में भी स्पष्ट वर्णन है कि श्री राधा रानी नित्य गोलोक निवासिनी है, गोलोक विहारिणी है, और वह यहां पर श्री कृष्ण पत्नी होकर के प्रकट हुई। जिस समय श्री जी की ठाकुर जी की लीला ब्रज में हुई उस समय राधा नाम की 6 गोपियां थी, माने और भी 5 गोपियां राधा नाम से थी। जो कहा जाता है कि किसी गोप के साथ विवाह हुआ वह कथा ऐसी है माता जी कि श्री राधा जी की छाया रूप एक और राधा उन्होंने प्रकट की थी, और छाया रूप जो राधा थी वह भी श्री कृष्ण के द्वारा वरदान प्राप्त था कि तुम्हें मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण की छाया रूप से एक राधा, श्री राधा जी की छाया रूप से एक राधा जी प्रकट हुई, जैसे जानकी जी प्रकट हुई छाया रूप में और मूल जानकी जी अग्नि में वास कर गई, उसी प्रकार राधा जी की छाया से एक और राधा प्रकट हुई। और उधर श्री कृष्ण की ही स्वरूप से एक गोप प्रकट हुआ, वह गोप जिसके साथ उन राधा जी का विवाह हुआ, तो वह भी श्री कृष्ण रूप है और ये राधा रूप ही है। और राधा कृष्ण तो नित्य जो है दंपत्ति है, ये तो कभी अलग होते ही नहीं है। श्री कृष्ण राधा की अनित जो है नित्य जोड़ी है, ये कभी अलग नहीं होने वाले हैं, शाश्वत जोड़ी है कि नहीं? राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है। अब राधा तत्व को बिना जाने, बिना राधा की महिमा जाने और इस तरह की बातें कह देने से, देखो हम खुले मंच से टेलीविजन के माध्यम से यदि इस बात को रख रहे हैं तो उसका कारण किसी का विरोध करना या किसी का निंदा करना नहीं है। उसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोग उनको मानते हैं और लोग सुनकर के यही मान लेंगे कि हाँ राधा जी का विवाह तो किसी और से हुआ होगा और वो तो किसी और की पत्नी थी और वो श्री कृष्ण से प्रेम में थी, तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके चित्त पर गलत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, समाज में गलत संदेश जाएगा कि नहीं? और हमारी श्री जी के प्रति, हमारी स्वामिनी जी के प्रति जो लोगों का आदर है, जो भाव है, उसमें कमी होगी कि नहीं? इसलिए भैया स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है।
तो हम ऐसे महानुभावों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि बिना शास्त्रों का विधि पूर्वक अवलोकन किए बिना, बिना प्रमाण के इस प्रकार से अनर्गल बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग मानते हैं, और यदि हमारे द्वारा कोई ऐसी अनुचित बात कह दी जाए तो समाज पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसमें भी वो लोग जिनका बहुत बड़ा समुदाय, जिनका अनुयायी है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रह करके बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखनी चाहिए।